नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। बिहार में बहुमत मिलने के बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार का गठन हो चुका है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ उनकी कैबिनेट के 14 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। हालांकि इस बार बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी को बिहार सरकार में शामिल नहीं किया गया है। दरअसल इस बार सुशील मोदी की जगह पर बिहार में दो डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा है, जिसके लिए बीजेपी नेता रेणु देवी और तरकिशोर प्रसाद का नाम फाइनल किया गया है। इस बीच आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने सुशील मोदी को फिर से बिहार का डिप्टी सीएम न बनाए जाने की वजह का खुलासा किया है। शिवानंद तिवारी ने इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि बिहार सरकार में सुशील मोदी की भूमिका बीजेपी नेता की कम और नीतीश कुमार के सहयोगी की ज्यादा बन गई थी। मुझे लगता है कि इसी वजह से बीजेपी ने इस बार उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया। उनसे किसी ने पूछा था, उन्होंने कहा था कि आपको तकलीफ है, सॉरी महसूस करते हैं, तो हाँ ये उन्होंने कहा था। देखिए, सुशील मोदी माने भारतीय जनता पार्टी के कम नीतीश कुमार के माने सहयोगी के रूप में ज़्यादा उनकी भूमिका हो गई थी, और हमको लगता है कि इसी की वजह से उनका पत्ता जो है भारतीय जनता पार्टी ने काटा। इसके अलावे दूसरी बात ये थी कि भारतीय जनता पार्टी से किसी अन्य नेता को उभरने का मौका जो है माने सुशील कुमार मोदी नहीं दे रहे थे। हर मुद्दे पर रोजाना उनको बोलना ही है, बगैर बोले बगैर अखबार में और टेलीविजन पर चेहरा दिखाई दिए उनका खाना जो है नहीं पचता था। इसकी वजह से माने हमको माने हम नीति सुशील कुमार मोदी के साथ हम लंबे समय तक काम किए हैं। हम लोग एक साथ 74 आंदोलन में थे, हम और सुशील यहाँ जो पटना का पुराना जेल था उसमें हम लोग एक साथ रहे हैं, तो हमारा कोई उसके साथ वैर भाव नहीं है, वैर भाव उसके साथ बिल्कुल नहीं है, छोटे भाई की तरह है। लेकिन जिस तरह से रोजाना जो है संजय सिंह के नक्शे कदम पर चलना, तो व्यक्तित्व में गहराई का अभाव जो है दिखाई देता था, और हमको लगता है कि यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उनको इस बार जो है माने मंत्रिमंडल में जगह नहीं दिया। वहीं दूसरी ओर शपथ ग्रहण के बाद जब नीतीश कुमार से सुशील मोदी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सुशील मोदी की कमी खलेगी, मगर ये फैसला बीजेपी का है। कौन लोग मंत्री पद पर रहेंगे, उप मुख्यमंत्री के रूप में काम करेंगे, उनका निर्णय, क्या उनकी काबिलियत का इस्तेमाल करना चाहिए बीजेपी को? वो तो एक बीजेपी के का निर्णय है, इसलिए यह प्रश्न तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए। आप मिस करेंगे उनको अपने मंत्रिमंडल में? आज तो हो ही गया। इससे पहले सोमवार को राजभवन में नीतीश कुमार ने सातवीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश कुमार के अलावा बीजेपी के कोटे से 7, जेडीयू के कोटे से 5 और वीआईपी और एचएएम के कोटे से 1-1 मंत्री बनाए गए हैं। सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी ने बिहार में अपनी तय रणनीति के तहत पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग पर फोकस करते हुए सरकार में अपनी भागीदारी रखी है। रेणु देवी और तरकिशोर प्रसाद का नाम डिप्टी सीएम पद के लिए आगे करना भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।